हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग के गाना बनाने में परेशानी होती होगी। तो बहुत सारे भाई लोगों का ये सवाल होता हुआ कि म्यूजिक चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड, म्यूजिक चैनल भी मोनेटाइज होता है, ये मैं 100% कहता हूं, जो भी डीजे रिमिक्सिंग चैनल। लेकिन हाँ, उसमें है जो बहुत सारा अपना वीडियो के रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा और जो मिसलीडिंग होते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी चैनल मोनेटाइज हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक चैनल नहीं होता, लेकिन अगर आप YouTube के नियम को अगर फॉलो करते हैं तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। तो मैं इसी के बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और एक कॉपीराइट क्लेम जो होता है, जिसमें कोई भी सॉन्ग अपलोड करने पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो उस एक और वीडियो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि कॉपीराइट क्लेम को डिस्प्यूट कैसे करते हैं। कितने सभी गाने को डिस्प्यूट नहीं किया जाता है, हम तो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डिस्प्यूट के लिए, लेकिन जो कंपनी ऑनर रहता है, जो गाने का ऑनर रहता है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर देते हैं अपील का ऑप्शन। तो अपील तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपील करने से क्या होता है मैं आपको भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है फ्रेंड्स। हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप अपने चैनल पर काम करते रहिए, ऐसा नहीं है कि जे इतना मेहनत किए तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, अर्निंग नहीं हुआ, चाहे जो भी कुछ हो, आप हड़बड़ाइए नहीं, आप काम करते रहिए पूरा मेहनत से। और नए यूट्यूबर हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वो भी अपना काम मेहनत से करें, और आप फालतू बात में ना रहें कि चैनल मोनेटाइज नहीं होता है या इससे ये होता है वो होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, जहाँ तक है मुझे और हमको जिस प्रॉब्लम से हम पार हो चुके हैं, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।